हेलो एंड वेलकम टू स्टेप बाय स्टेप स्टडी। आई एम रचित एंड आज के लेक्चर में हम एनालिसिस करने वाले हैं अबाउट द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स एंड प्रीवियस ईयर में कौन से टॉपिक में से कितने क्वेश्चंस आए हैं उसके बारे में। एंड इफ़ यू आर अपेयरिंग फॉर CGL 2021 मेंस एग्जाम ऑफ स्टैटिस्टिक्स देन आई एम श्योर ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। सो ऑल्दो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है बट आई वुड सजेस्ट यू कि आप इसको स्किप ना करें, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा और बेनिफिशियल होगा आपकी प्रिपरेशन के लिए। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। पहले एनालिसिस करते हैं पास्ट ईयर क्वेश्चंस का कि कौन से टॉपिक में से कितने क्वेश्चंस हैं एंड कितने एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं 2021 एग्ज़ाम के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो फर्स्ट टॉपिक है कलेक्शन क्लासिफिकेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। 2014 से 17 तक इसमें 7 क्वेश्चंस आते थे इस टॉपिक से एंड उन 7 क्वेश्चंस में भी हाफ ऑफ द क्वेश्चंस वर वेरी जनरल क्वेश्चंस कि आपको उसमें टोटल करना होता था या नॉर्मल एवरेज निकालनी होती थी या बस पाई चार्ट या बार डायग्राम के बेसिस पे कुछ क्वेश्चन होते थे। बट 19 ऑनवर्ड्स थोड़ा पैटर्न चेंज हुआ या आई वुड से 18 ऑनवर्ड्स थोड़ा पैटर्न चेंज हुआ कि थोड़े स्पेसिफिक क्वेश्चंस आने लग गए बेस्ड ऑन द टॉपिक इटसेल्फ। सो 18 में 5 क्वेश्चंस आए थे, 19 अगेन 5 क्वेश्चंस आए थे बट 2020 में देयर वर ओनली 3 क्वेश्चंस। दिस टाइम कितने क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड हैं ये मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आपको समझाऊंगा। सो इसके बाद आते हैं टॉपिक नंबर 2 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहता है बिकॉज ये रिलेटिवली ईजी है एंड अगर आपने 10th से 12th तक मैथ्स पढ़ी होगी तो आपने ऑब्वियस है कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ा होगा। सो 14 में 6 क्वेश्चंस आए थे, 15 में 5, देन 7, देन 5, देन 18 में सबसे ज़्यादा वेटेज इसको दी गई थी 10 क्वेश्चंस की, देन 19 और 20 में देयर वर 8 क्वेश्चंस। अब मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन इनमें क्वेश्चंस थोड़े जगल होते रहते हैं, जगल इन द सेंस कि अगर मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में 8 क्वेश्चंस आए हैं तो डिस्पर्जन में 9 हो जाएंगे, अगर उधर 9 है तो इधर 8 हो जाएंगे। 14 ऑनवर्ड्स 14 में 6 और 2 क्वेश्चंस रिस्पेक्टिवली, देन 5 4, देन 7 3, देन 5 5, देन 10 6, 19 और 20 में 8 एंड 9 क्वेश्चंस आए थे टॉपिक नंबर 2 एंड टॉपिक नंबर 3 से। ये दोनों टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं और ईजी हैं सो आई वुड सजेस्ट कि आप इन दोनों को स्किप ना करें, जल्दी से ये कंप्लीट भी हो जाते हैं और अगर आपने फॉर्मूलाज इनके अच्छे से देख लिए सो ज़्यादा प्रॉब्लम रहती नहीं है। देन कमिंग टू टॉपिक नंबर 4 मोमेंट्स स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस। ये वाला टॉपिक आपने अभी तक नहीं पढ़ा होगा इवन इफ यू हैड मैथ्स इन 12th, अगर स्टार्ट्स थी ग्रेजुएशन में तो आई एम श्योर आपने इसे पढ़ा ही होगा। तो जो टॉपिक 4 है इससे हर साल 8 to 10 क्वेश्चंस आते हैं, पहले 9 क्वेश्चंस आए थे फिर 8 फिर 10 देन 9 देन 10। ऑल्सो अगेन दिस ईयर आई वुड एक्सपेक्ट 9 to 10 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस टॉपिक। मोमेंट्स स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस एक टॉपिक में 3 सब टॉपिक्स हैं और उनके अलग अलग पार्ट्स हैं, इसमें क्या इंपॉर्टेंट होगा विल जस्ट कम टू इट इन अ वाइल। फिर कोरिलेशन एंड रिग्रेशन में अगेन 8 to 10 क्वेश्चंस हर साल आपको देखने को मिलते हैं as you can see in this table। फिर आते हैं probability theory। probability theory आपने class 12th में भी किया होगा, अगर तब नहीं किया तो base आपका class 10th में बन चुका होगा। I am saying all this assuming कि आपने starts graduation में नहीं पढ़ा हुआ है। तो probability theory में पहले 10 questions आते थे, फिर 8 हुए, फिर reduce होके 7 हो गए। ये सारे questions numerical based होते हैं, theory इतना नहीं आता है probability theory में, इट इज़ एप्लीकेशन बेस्ड कि आप थ्योरी को पढ़ चुके होंगे और उसके बाद आप उसको अप्लाई कर रहे होंगे। देन आते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ओवर द ईयर्स। ओवर द लास्ट 3 ईयर्स टॉपिक नंबर 7 रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहा है। पहले तो इसमें से 9 to 10 क्वेश्चन ही आते थे बट 18 ऑनवर्ड्स पैटर्न चेंज हुआ और पैटर्न चेंज हुआ इन द सेंस क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हुआ। देन 18 ऑनवर्ड्स 19 to 20 क्वेश्चंस आपको इस टॉपिक में से दिख रहे हैं एंड ये क्वेश्चंस ऐसे हैं कि हर साल थोड़ा बहुत इनोवेशन आपको इनमें दिखेगा। ऑल्दो आपके सिलेबस में कुछ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस डिफाइंड हैं कि इनके बेस पर क्वेश्चन आएगा बट
अगर आप प्रीवियस ईयर्स उठा के देखेंगे तो यू विल सी कि उनसे भी थोड़ा एक्सटेंडेड वर्जन इस टॉपिक में से आता है. देन सैम्पलिंग थ्योरी, अर्लियर 5 to 8 क्वेश्चंस आते थे बट नाउ दे आर 3 to 4 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस टॉपिक. स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस में से पहले 8 to 12 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते थे बट लास्ट 2-3 साल की बात करें तो देर हैव बीन 6 to 7 क्वेश्चंस ओनली. फिर आते हैं एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, जिसको हम अनोवा भी कहते हैं. अनोवा एक स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉपिक रहता है. इसमें अगर आप 2 टेबल्स याद कर लें और कुछ फॉर्मूलाज याद कर लें सो आप इसको आराम से कर सकते हैं. तो स्ट्रेट फॉरवर्ड इसमें से क्वेश्चंस आते हैं एंड 8 to 10 क्वेश्चंस आपको इस टॉपिक में से दिख जाते हैं. फिर टाइम सीरीज एनालिसिस भी एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सा टॉपिक है. 2014 to 2017 तक 15 क्वेश्चंस आपको इस टॉपिक में से मिलते थे और काफ़ी हाई वेटेज होती थी पहले टाइम सीरीज एनालिसिस की, बट अब वो हाई वेटेज शिफ्ट हो गई है टॉपिक नंबर 7 के लिए. ओके, तो अब यूजुअली इसमें से 6 to 7 क्वेश्चंस आते हैं. देन आते हैं हम इंडेक्स नंबर्स पर. इंडेक्स नंबर्स को भी पहले काफ़ी ज़्यादा वेटेज दी जाती थी ऑफ अराउंड 10 क्वेश्चंस ईच, बट अब इंडेक्स नंबर्स में से देर आर 5 to 7 क्वेश्चंस. एंड इंडेक्स नंबर्स भी एक स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉपिक है, फॉर्मूलाज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और थोड़ा सा थ्योरेटिकल होता है जो कि प्रॉपर्टीज़ पर बेस्ड होता है. ओके, ये हमने पास्ट 6 ईयर का एनालिसिस देख लिया. नाउ आई वुड सजेस्ट यू कि अब आप फोकस करें बस 2019 एंड 20 के पैटर्न पे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं और कितने क्वेश्चंस किस टॉपिक में से आए हैं, बिकॉज उसके 18 के बाद वेंडर चेंज हुआ था वन थिंग, एंड 18 के बाद 19 और 20 में जो क्वेश्चंस आए हैं उनमें काफ़ी सिमिलैरिटी रही है कि कौन से टॉपिक को कितनी वेटेज दी गई है. तो टॉपिक नंबर 1 में से 3 to 5 क्वेश्चंस आपको देखने को इस बार भी मिल सकते हैं. देन मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी 8 to 9 क्वेश्चंस, सेम फॉर मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन. मोमेंट्स स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस में से भी 8 to 10 क्वेश्चंस आपको दिख सकते हैं. कोरिलेशन एंड रिग्रेशन में से अगेन 8 to 10 क्वेश्चंस होंगे. प्रोबेबिलिटी थ्योरी 7 to 8 क्वेश्चंस आप इसमें से एक्सपेक्ट कर सकते हैं. रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप मत करना, और इसमें से भी आपको 18 to 20 क्वेश्चंस आई वुड से दिख सकते हैं. सैम्पलिंग थ्योरी डिपेंड करेगा एग्जामिनर किस टाइप के क्वेश्चंस दे रहा है, बट 3 to 5 क्वेश्चंस इसमें से आएंगे. एंड स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस 6 to 8 क्वेश्चंस. एनालिसिस ऑफ वेरिएंस में 8 to 10 क्वेश्चंस आएंगे. टाइम सीरीज एनालिसिस में भी 6 to 10 क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं. एंड इंडेक्स नंबर्स में 8 to 10 क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं. अब आते हैं कि हर टॉपिक में से कितने क्या क्या इम्पॉर्टेंट हैं. आई एम नॉट सेइंग कि वो क्वेश्चंस आपके आएंगे ही आएंगे, बट व्हाट आई एम सेइंग इज़ कि आपको इन सब टॉपिक्स में से जो मैं बताने वाला हूँ वो आप लीव ना करके जाएं और इनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें एज़ कम्पेयर टू दी अदर व्हाट वी से अदर सब टॉपिक्स और अदर टॉपिक्स. तो फर्स्ट टॉपिक है कलेक्शन, क्लासिफिकेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा. इसमें से आपका इम्पॉर्टेंट रहेगा प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा. आई जस्ट राइट पी एंड एस डेटा और इस डेटा के सोर्सेज, प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा सोर्सेज विद एग्जांपल्स आपको ये पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए. देन टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, वो सब आपको पता होना चाहिए बिकॉज डायरेक्ट क्वेश्चंस इस पे बेस्ड आ सकते हैं. देन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो ओवर द ईयर्स दिख रही है वो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल एंड उससे रिलेटेड जितने भी आपके ग्राफ्स बनते हैं एग्जामिनर उसको रिलेटिवली ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहा है. एंड कुछ इम्पॉर्टेंट ग्राफ्स और चार्ट्स हैं जो कि आप इनफैक्ट ईयर 2 मैथ्स दे रहे हैं तो आप बार चार्ट, पाई चार्ट एंड ऑल वो आप पढ़ ही रहे होंगे. उसके अलावा भी कुछ जो ग्राफ्स और चार्ट्स हैं हमारे लेक्चर्स में भी कवर्ड हैं, अदरवाइज आप प्रीवियस ईयर के बेसिस पे भी उसको प्रिपेयर कर सकते हैं. एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस विल बी 4 to 5, जिसमें से आई वुड से
एक या दो क्वेश्चंस आपको नॉर्मल एवरेज बेस पे भी दिख जाएंगे जो आप टीयर टू मैथ्स में कर रहे हैं। देन टॉपिक नंबर टू इज़ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में सबसे पहले आपको फॉर्मूलाज सारे याद होने चाहिए। काफ़ी सारे फॉर्मूलाज हैं, काफ़ी सारे केसेस हैं कि मीन मोड मीडियन के क्या फॉर्मूलाज होंगे, पार्टीशन वैल्यूज़ के क्या फॉर्मूलाज होंगे, ये सब आपको याद होने चाहिए। एंड हम डिस्कस कर रहे हैं तो आई शुड टेल यू कि टेक अ सेपरेट पेज और अ सेपरेट नोटबुक जिसमें आप ये फॉर्मूलाज लिखते जा रहे हो। लास्ट डे आपको यही फॉर्मूलाज, यही प्रॉपर्टीज़ बस रिवाइज करनी होगी, और कुछ नहीं भी करेंगे तो भी आई थिंक आपका एग्ज़ाम क्लियर हो पाएगा। ओके, फॉर्मूलाज आप देख लेंगे इसमें, उसके बाद बेसिक एवरेज क्वेश्चंस आएंगे इस टॉपिक में भी जो कि आप टीयर टू मैथ्स में कर रहे हो। देन रिलेशन आएगा मीन मोड मीडियन, एक एम्पेरिकल रिलेशन होता है, उस पर बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, या तो डायरेक्ट आपसे रिलेशन पूछ लेंगे या फिर उस पर बेस्ड क्वेश्चन आ जाएगा। सिमिलरली AM, GM और HM पे बेस्ड क्वेश्चन आपको दिख सकता है, इनके रिलेशन पे या फिर इनको आप सॉल्व कर रहे होंगे यूजिंग दी फॉर्मूला। लास्ट इस टॉपिक में से पार्टीशन वैल्यूज़ काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस टॉपिक में जो आपका पार्टीशन वैल्यूज़ का बेस बनेगा वही टॉपिक नंबर 7 में जाके आपको काम आएगा, और अगर आप प्रीवियस ईयर्स उठा के देखेंगे तो पार्टीशन वैल्यूज़ टॉपिक नंबर 7 में भी आया है। फिर आते हैं टॉपिक नंबर 3, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन पे। अगेन फॉर्मूलाज इस टॉपिक में भी इम्पॉर्टेंट हैं। जितने भी टॉपिक्स हैं जिसमें फॉर्मूलाज हैं वो सब टॉपिक्स फॉर्मूलाज वहाँ के इम्पॉर्टेंट हैं, या तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है या फिर उस फॉर्मूला को अप्लाई करने का क्वेश्चन आपको दिख सकता है। तो टॉपिक 3 में आपको ये भी पता होना चाहिए कि एब्सोल्यूट मेजर्स क्या हैं, उनके कोरस्पॉन्डिंग रिलेटिव मेजर्स क्या हैं, एब्सोल्यूट एंड कोरस्पॉन्डिंग रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। देन कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसमें से आपको क्वेश्चन दिखेगा ही दिखेगा। कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस में से भी आपको क्वेश्चन दिखेगा। कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन आई थिंक कुछ स्टाइलस में प्रॉब्लम है, सो आई होप आपको ये दिख रहा होगा। सो कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस पे क्वेश्चन आएगा बिकॉज इसमें दो कॉन्सेप्ट आ जाते हैं कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन वाले में, ऑफ कंबाइंड मीन एज वेल। तो या तो वहाँ पे कंबाइंड मीन का क्वेश्चन आ जाएगा टॉपिक नंबर 2 में से, अदरवाइज टॉपिक 3 में से कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस आएगा। देन मीन डेविएशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन दिस टॉपिक। तो दोनों टॉपिक नंबर 2 और टॉपिक नंबर 3 में से 7 to 9 क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देन कमिंग टू टॉपिक नंबर 4, मोमेंट स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस। कार्ल पियर्सन, बाउली एंड केलीज कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसके सारे मेजर्स इम्पॉर्टेंट हैं। स्क्यूनेस को थोड़ा रिलेटिवली ज़्यादा वेटेज दिया जाता है मोमेंट्स एंड कर्टोसिस से। देन मोमेंट्स में से क्या इम्पॉर्टेंट रहता है, रिलेशन बिटवीन द मोमेंट्स, रॉ, एब्सोल्यूट एंड अबाउट द आर्बिट्रेरी पॉइंट्स, ये रिलेशन इम्पॉर्टेंट होगा। कर्टोसिस में से भी लेप्टोकर्टिक, प्लैटिकर्टिक, ये सारी डिस्ट्रीब्यूशंस क्या होती हैं और इनमें बीटाज की वैल्यू क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए। 8 to 10 क्वेश्चंस आप इसमें से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। टॉपिक इतना डिफिकल्ट नहीं है तो आप इसको भी कर सकते हैं आराम से। देन कोरिलेशन एंड रिग्रेशन में से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आता है वो है स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन। इसमें या तो इसका फॉर्मूला आ जाता है या फिर इसको अप्लाई करने का आपसे पूछ सकते हैं। देन प्रॉपर्टीज ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट प्लस रिलेशन बिटवीन कोरिलेशन कोएफिशिएंट एंड रिग्रेशन कोएफिशिएंट, ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ आपको याद होनी चाहिए और इसका रिलेशन रिग्रेशन कोएफिशिएंट के साथ क्या है वो भी आपको याद होना चाहिए। फिर मल्टीपल कोरिलेशन में से मल्टीपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट का फॉर्मूला और प्रॉपर्टीज़ याद करना, उससे ज़्यादा क्वेश्चंस डिटेल में नहीं आते हैं।
रिग्रेशन एनालिसिस में से सिंपल रिग्रेशन लाइंस पे आप ज़्यादा फोकस करना और उनके प्रॉपर्टीज़ पे। इस टॉपिक में से भी आपको 9 to 10 क्वेश्चंस दिख सकते हैं इन द कमिंग एग्ज़ाम। देन कमिंग टू प्रोबेबिलिटी थ्योरी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक या सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेड टॉपिक जो कि प्रोबेबिलिटी थ्योरी में से आता है वो है बेस थ्योरम में से। देन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और इंडिपेंडेंट इवेंट्स दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं, और इंडिपेंडेंट इवेंट्स में से भी किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं आप एक बार प्रीवियस ईयर से गो थ्रू कर लेना। पेयरवाइज इंडिपेंडेंस, नॉर्मल इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ये सब आपको पता होना चाहिए। देन कमिंग टू प्रोबेबिलिटी थ्योरी में से एज आई टोल्ड यू अरे ऑल्सो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो उन सब क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर लेना। इफ़ यू आर नॉट एनरोल्ड इन आर कोर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड एडवाइस कि आप कोर्स एनरोल कर सकते हैं, अदरवाइज आप प्रीवियस ईयर के बेसिस पे भी अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आपने देखे हैं। सो 6 to 8 क्वेश्चन इस टॉपिक में से भी आएंगे। अब आते हैं टॉपिक नंबर 7 पे, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहा है लास्ट 3 ईयर्स से। तो रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस में से सबसे पहले रैंडम वेरिएबल पे बेस्ड मीन एंड वेरिएंस, रैंडम वेरिएबल और कॉम्बिनेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल में मीन एंड वेरिएंस होता है, वो सब आपको पता होना चाहिए, चाहे इसमें क्वेश्चन आएगा या फिर उनकी प्रॉपर्टीज़ आएंगी। देन पार्टीशन वैल्यूज़ फाइंड आउट करना भी आ रहा है लास्ट 2-3 ईयर्स से, वही पार्टीशन वैल्यूज़ जो कि आप टॉपिक 2 में पढ़ के आए हैं, पार्टीशन वैल्यूज़ हो गया। उसके बाद लेटली प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के डायरेक्ट क्वेश्चन के साथ फर्स्ट ऑफ ऑल जो गिवन है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपके सिलेबस में, उससे भी ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो वो सब मैंने प्रीवियस ईयर में कवर कर लिए हैं जो भी एक्स्ट्रा डिस्ट्रीब्यूशंस देखने को मिले हैं। तो खाली सिलेबस पे बेस्ड मत रहना, प्रीवियस ईयर को भी आप गो थ्रू करते रहना। तो इसमें से अब पहले तो डायरेक्ट क्वेश्चंस आ रहे थे, बट लेटली इनका मीन मोड मीडियन क्या होता है, कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएबल है तो उसका मीन मोड मीडियन, स्क्यूनेस, कर्टोसिस, ये भी क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछे जा रहे हैं। तो आई एम राइटिंग हियर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, आप समझ जाओगे। तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस 15 to 20, रादर आई वुड से 18 to 20 क्वेश्चंस आप इधर से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सैम्पलिंग थ्योरी, ऑल दो ये रिलेटिवली थ्योरेटिकल टॉपिक लगता है देखने में, बट क्वेश्चंस जो आते हैं इतने थ्योरी बेस्ड नहीं होंगे, 3 to 5 क्वेश्चंस जो हैं उसमें से शायद 2 थ्योरी क्वेश्चंस हो जाएं एंड बाकी जो क्वेश्चंस हों वो न्यूमेरिकल बेस्ड हो सकते हैं। बट अगर आपको थ्योरी नहीं पता होगी तो आप उसको फर्दर सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो टॉपिक 8 में से क्या इम्पॉर्टेंट रहता है, पैरामीटर और स्टैटिस्टिक पूछ लेते हैं कि ये पैरामीटर है तो इसका स्टैटिस्टिक क्या है, या विच वन ऑफ दीज इज़ अ पैरामीटर एंड विच ऑफ दीज इज़ अ स्टैटिस्टिक, ये पता होना चाहिए। देन प्रोबेबिलिटी टेक्निक्स पता होनी चाहिए, सैम्पलिंग टेक्निक्स बेसिकली। उसके बाद आपको स्टैंडर्ड एरर के फॉर्मूलाज पता होने चाहिए, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन एंड सो ऑन। फिर सैम्पल साइज का फॉर्मूला, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये सैम्पल साइज फॉर्मूला। उसके बाद SRS एंड SRSWOR, दैट इज सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट एंड विद रिप्लेसमेंट्स, ये पता होना चाहिए। आई एम रिपीटिंग अगेन, थ्योरी से आपका बेस बनेगा बट क्वेश्चन सारे थ्योरेटिकल नहीं होंगे टॉपिक नंबर 8 में से। देन स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस में फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो है वैल्यू ऑफ टेस्ट स्टैटिस्टिक का, डेटा गिवन होगा और उसके बाद आपको टेस्ट स्टैटिस्टिक TZ का स्क्वायर और F स्टैटिस्टिक की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी होंगी। उसमें सबसे पहले तो आपको यही देखना पड़ेगा कि कौन सा टेस्ट आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। देन सेकंड इज़ फाइंडिंग कॉन्फिडेंस इंटरवल्स, वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद आता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग पे बेस्ड क्वेश्चंस,
5 to 8 क्वेश्चंस इस टॉपिक में से भी आ सकते हैं। देन एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, अनोवा में 2 टेबल्स हैं, वो दोनों को अच्छे से याद कर लो, रट लो, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे, 1 वे और 2 वे अनोवा की। देन उसके बाद कुछ क्वेश्चंस तो एज इट इज़ देखने को मिले हैं कि यही टेबल आपको 18 एग्ज़ाम में आई थी एंड सेम टेबल 19 के एग्ज़ाम में भी रिपीट हो गई थी। देन उसके बाद उसी टेबल में मैंने फॉर्मूलाज डिस्कस करें, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम वगैरह डिस्कस किया है कि अगर आपको MSE निकालना है या TSS निकालना है तो उसके फॉर्मूलाज क्या हैं, तो वो आपको याद होने चाहिए। देन टाइम सीरीज एनालिसिस में, अच्छा अनोवा में से भी 8 to 10 क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। टॉपिक बहुत छोटा सा है बट क्वेश्चन वेटेज काफ़ी ज़्यादा है, तो विन विन सिचुएशन है आपके लिए भी। इसको आप पहले करेंगे तो आप ज़्यादा पोर्शन इसका कवर कर पाएंगे। टाइम सीरीज़ एनालिसिस इजी और आई वुड से थोड़ा अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग है, अगर आप इसके ज़्यादा फॉर्मूलाज पे ना जाएं तो। ओके, टाइम सीरीज़ एनालिसिस में से सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है वो होता है बेस्ड ऑन कॉम्पोनेंट्स, कि कौन कौन से वेरिएशंस हैं टाइम सीरीज़ एनालिसिस में। देन एग्ज़ाम्पल बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिले हैं, तो आप इन सब वेरिएशंस को अच्छे से समझ लेना। देन लीस्ट स्क्वेयर्स मेथड पे बेस्ड भी क्वेश्चन इसमें से दिखता है। उसके बाद फॉर्मूलाज डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं और हर एक जो भी ट्रेंड और सीजनल वेरिएशन है उसके मेथड्स क्या हैं, इनके आपको नाम अच्छे से याद होने चाहिए। ओके, देन कमिंग टू लास्ट सब टॉपिक जो कि इसमें इम्पॉर्टेंट है, वो है ट्रेंड इक्वेशन चेंज करना और एस्टिमेट करना। या तो ओरिजिन चेंज करवाएंगे या फिर इसको क्वार्टरली या फिर ईयरली में चेंज करना, और एस्टिमेशन भी आपसे इसमें पूछा जा सकता है। टाइम सीरीज एनालिसिस भी एक छोटा टॉपिक है, अगर आप प्रीवियस ईयर के बेसिस पे देखें तो इसको भी आप कवर कर सकते हैं। देन इंडेक्स नंबर्स, सबसे पहले तो फॉर्मूलाज आपको पता होने ही चाहिए। ओके, कि फिशर्स मेथड का क्या फॉर्मूला है, लास्ट पेयर्स पास्चेज, इन सब के फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए। ये देख लेना कि किस में न्यूमरेटर में क्या है, किस में डिनोमिनेटर में क्या है, और फिशर्स इंडेक्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो याद होनी चाहिए। देन टेस्ट होते हैं कुछ इंडेक्स नंबर्स के, तो ये आपको देख लेना है कि कौन सा इंडेक्स नंबर कौन से टेस्ट को सेटिस्फाई कर रहा है, ये आपको याद होना चाहिए और इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। देन कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर्स पे बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है, इसकी प्रॉपर्टीज़ और इसका थोड़ा बेसिक ओवरव्यू आपको पता होना चाहिए। सो दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड, कि कौन से टॉपिक में से कौन सा सब टॉपिक या कौन से पार्ट्स इम्पॉर्टेंट हैं। तो जो मैंने बताया है, एटलीस्ट आई वुड एडवाइज़ यू, इन छोटे छोटे सब टॉपिक्स को आप लीव ना करके जाएं, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन इसमें से क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। प्रीवियस ईयर एनालिसिस ही किया है, आपके अकॉर्डिंग आपको जो भी टॉपिक अदरवाइज इंपॉर्टेंट लगे आप भी प्रीवियस ईयर्स को एनालाइज कर सकते हैं। डोंट जस्ट रिलाय ऑन माई एबिलिटी टू एनालाइज, अपने खुद प्रीवियस ईयर्स भी देखें एंड उसके बाद एनालाइज करें, अपनी एबिलिटी को एनालाइज करें कि आप कौन सा टॉपिक कर सकते हैं एंड कौन सा नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा 2-3 चीज़ें और हैं। इफ़ यू आस्क मी कि कौन से टॉपिक्स को आप ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें, तो आई वुड से पहले आप टॉपिक 1 to 7 करें, उसके बाद टॉपिक 10 to 12 करें एंड उसके बाद 8 and 9 टॉपिक्स आप कर सकते हैं। तो 1 to 7 ईजी रहते हैं और काफ़ी ज़्यादा पोर्शन आपका कवर हो जाता है इनको कवर करने के बाद। 10 to 12 भी ईजी हैं और फॉर्मूला बेस्ड हैं, तो फॉर्मूलाज याद हो गए तो यू आर ईजी टू गो थ्रू। 8 और 9 थोड़े से कॉन्सेप्चुअल हैं, अगर आपके पास स्टैट्स नहीं था तो थोड़ा इसको समझने में प्रॉब्लम आ सकती है, थोड़ा ज़्यादा टाइम आपको डिवोट करना पड़ेगा। तो अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो 8 और 9 को बस ओवरव्यू देखो, बट प्रीवियस ईयर्स आई वुड सजेस्ट आप सारे करके जाएं, एटलीस्ट पास्ट 6 और 7 ईयर्स के सारे प्रीवियस आपको बाय हार्ट
याद होने चाहिए, रटे होने चाहिए, या फिर जो भी उसमें आया है वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आई एम एक्सपेक्टिंग कि जो भी एग्ज़ाम रहेगा वो प्रीवियस ईयर बेस्ड ही रहेगा। आई एम नॉट सेइंग सेम क्वेश्चंस आपको दिखेंगे, बट उसी टाइप के क्वेश्चंस, थोड़ा वेटेज उन टॉपिक्स को सिमिलर देखने की एक्सपेक्टेशन है। अदरवाइज इट सीरियसली रेस्ट्स ऑन यू कि आप क्या ज़्यादा देखना चाहते हैं, क्या ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं एंड क्या ज़्यादा पढ़ पाते हैं। अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज़ करो, एंड सिंस आपके पास मैथ्स एंड इंग्लिश भी आपको कवर अप करना है, तो कैसे टाइम डिवाइड करना है वो आप देख लेना, बट डू दैट जुडिशियसली। एंड इफ़ यू वॉन्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, पहले तो आप हमारा कोर्स परचेज कर सकते हैं, बट इफ़ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी परचेज कर सकते हैं। वहाँ पे डिटेल्ड एनालिसिस किया गया है ऑफ प्रीवियस ईयर्स फ्रॉम 14 टू 20। जो भी सिमिलर क्वेश्चंस हैं वो साथ साथ मैंने डिस्कस कर लिए हैं, एंड यू नो हाउ टू कॉन्टैक्ट अस, अदरवाइज आई विल ऐड दैट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, व्हाट्सएप, मेल, जिसमें भी आप कन्वीनियंट हैं कॉन्टैक्ट करके ये कोर्सेज परचेज कर सकते हैं। देन आई वुड से कि या आई जस्ट सेड कि टाइम आप जुडिशियसली डिवाइड करते रहना कि कौन से सब्जेक्ट में कौन सा टाइम देना है। ऑल्सो सिलेबस को अच्छे से देख लो, अपनी एलिजिबिलिटी देख लो, एंड ऑल्सो हर एक कैटेगरी के बेसिस पे एक कट ऑफ डिफाइंड है, प्री डिफाइंड है, एसएससी ने प्री डिफाइन किया हुआ है इस कट ऑफ को कि इतने मार्क्स आपके स्टैट्स के एग्ज़ाम में आने चाहिए ताकि आप इस पेपर को क्वालिफाई कर सकें। क्वालिफाई डज नॉट मीन कि फॉर एग्ज़ाम्पल आई थिंक कि यू आर कैटेगरी के लिए 60 मार्क्स चाहिए होते हैं, सो 60 मार्क्स डज नॉट मीन कि आपके स्टैट्स में 60 आए तो आप JSO या स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर की लिस्ट में आएंगे ही आएंगे। नहीं, जो भी लिस्ट आएगी JSO एंड SI के लिए वो एक क्यूमुलेटिव होगी स्टैट्स प्लस इंग्लिश प्लस मैथ्स प्लस टीयर वन के बेसिस पे। ओके, तो आप उन सब टॉपिक्स, उन सब पार्ट्स को भी इम्पोर्टेंस देना, बट ये याद रखना कि अगर आपको स्टैट्स की लिस्ट में नाम चाहिए तो एटलीस्ट आप ये कट ऑफ क्वालिफाई कर रहे हो जो भी प्री डिफाइंड है, कि 30 एक होता है ना कि पासिंग मार्क्स कितने हैं, तो कट ऑफ से बेटर आई वुड से पासिंग मार्क्स पहले से डिफाइंड है। ये वीडियो भी मैंने बना दी थी पहले ही सिलेबस, पासिंग मार्क्स, एलिजिबिलिटी को लेके, तो उसका लिंक आपको कमेंट्स या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दिया जाएगा, गो थ्रू दैट एज वेल। सो दैट इज़ ऑल, वीडियो थोड़ा एक्सटेंड हो गया है, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट आई एम श्योर इससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा इन योर प्रिपरेशन। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे अहेड एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।